What's up guys, welcome back in another video. सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को अपडेट देने वाला हूँ न्यूजीलैंड के बारे में। तीन चार अच्छी अच्छी अपडेट्स भी आप लोगों के लिए और बुरी अपडेट्स भी है। वो सारी अपडेट आप लोगों की जानने वाली बेहद ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग अगर इस कैटेगरी में जाना चाहते हो या ऑलरेडी गए हो, या फिर आप कुछ फ्यूचर का प्लान बना रहे हो, या फिर आपके पास ये जो रिलेवेंट फील्ड है इसके अंदर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह, तो आप डायरेक्ट इससे पीआर भी ले सकते हो। जो नई ग्रीन लिस्ट चेंज हुई है और जो पहले जो ऑक्यूपेशन थे उनको वहाँ से ग्रीन लिस्ट से हटाया गया है, वो एक दो चीज़ें वो बताता हूँ। एक जो अगर आप टीचर लाइन के अंदर हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है, आपके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ अगर आप न्यूजीलैंड जाना चाहते हो तो बाकी आपको कोई भी वीज़ा के रिलेटेड, किसी भी कंट्री के रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हैं, कमेंट पे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई वीज़ा अप्लाई करवाना है लाइक स्टडी वर्क या फिर टूरिस्ट वीज़ा, उसके लिए भी आप लोग मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अच्छी राय और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर मेरे से करवाना है तो वो भी आप करवा सकते हैं। तो चलिए मैं सीधा स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट पर चलते हैं। वहाँ जाके ये जो तीन चार अपडेट आए हैं इसी महीने के अंदर आए हैं, वो आप लोगों को मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ, ताकि आप लोग जो चीज़ है वो मिस ना कर पाओ, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिले। तो दोस्तों फाइनली अपन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की साइट पे आ चुके हैं और मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 3 अप्रैल की जो न्यूज आई है इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया कि एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा एप्लीकेशन वॉल्यूम, आज तक कितना एप्लीकेशन हुआ वो आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने जो एक्रेडिटेशन एप्लीकेशन जो ओपन की थी वो 23 मई 2022 को स्टार्ट की थी, और जो जॉब चेक एप्लीकेशन थी वो 20 जून 2022 को स्टार्ट करी थी, और उसके बाद जो एंड वर्क वीजा एप्लीकेशन ओपन ऑन 4 जुलाई 2022 से ये एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा वो स्टार्ट हुआ था अप्लाई करने या लगने के लिए। तो इसमें क्या है कि एज एट 28 मार्च 2024 इमिग्रेशन न्यूजीलैंड हैज अप्रूव्ड, आज तक यानी कि 28 मार्च 2023 तक इन लोगों ने 115483 एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव यहाँ पे कर दिए हैं। एंड देर आर 33,977 एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर, यहाँ पे लगभग 34,000 के समथिंग जो एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर है वो यहाँ पे है अभी न्यूजीलैंड के अंदर। इसके बाद क्या है कि सेकेंड और ये इसके बाद मेन जो है जो टीचर वाली मैं बता रहा था, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स मूविंग टू द स्ट्रेट टू रेजिडेंस पाथवे। अगर आप लोग सेकेंडरी स्कूल के टीचर हो, आप सेकेंडरी स्कूल के बच्चों तक पढ़ाते हो, तो अब आप लोग डायरेक्ट न्यूजीलैंड जो है वो पीआर पे जा सकते हो। फ्रॉम मई 2024 सेकेंडरी स्कूल टीचर्स मूव टू दी स्टेट टू रेजिडेंस पाथवे ऑन द ग्रीन लिस्ट इन डिमांड रोल्स। ये जो है अभी ग्रीन लिस्ट के अंदर आ चुका है और इन डिमांड जो रोल्स है उनके अंदर आ चुका है। दिस मूव हेल्प्स फिल द लाइकली शॉर्टेज ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म, यानी कि ये जो वहाँ पे शॉर्टेज हो चुकी है टीचर्स की उसको फिल करने के लिए बहुत अच्छा जरिया जो इन लोगों ने निकाल दिया है। दी चेंज अलाउज एलिजिबल ओवरसीज सेकेंडरी स्कूल टीचर्स टू अप्लाई फॉर रेजिडेंस फ्रॉम आउटसाइड न्यूजीलैंड। आप डायरेक्ट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो न्यूजीलैंड के बाहर से, ऑफशोर से मतलब, ठीक है। When they have an offer of employment with an accredited employer, अगर आपके पास कोई accredited employer है उसके हिसाब से आपके पास offer है teacher का, तो आप इस वीज़ा के लिए eligible होते हो, apply कर सकते हो without needing to work for 2 years in New Zealand। फर्स्ट आपको 2 साल पहले New Zealand में काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप direct यहाँ पर residence के लिए apply कर सकते हो। This changes come into effect in May, ये मई से चालू हो जाएगा, और other teachers remain on the work to residence pathway, वो यहाँ से work से करके और residence pathway पाथवे पे भी जा सकते हैं, और ये स्टेट टू रेजिडेंस पाथवे यानी कि इसमें आपको वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है पहले, और जो अदर टीचर है उनको पहले काम करके फिर रेजिडेंस पाथवे जो लेना पड़ता है। तो यहाँ पे जल्दी पीआर करके और जो लोग ऑस्ट्रेलिया मूव होना चाहते हैं उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन बनता है यहाँ पे। इसके बाद मैं जाऊँगा तो यहाँ पे आती है अपने पास जो तीसरा है वो ये है चेंजेस टू वर्क टू रेजिडेंस एंड ऑक्यूपेशन ऑन द ग्रीन लिस्ट। तो यहाँ पे जो 3-4 चेंजेस किए गए हैं, जैसे क्या था कि आपको बताता हूँ ग्रीन लिस्ट के अंदर जो चेंज जो किए गए, देखो ऑन 8 अप्रैल 2024 से 6 रोल विल बी एडेड टू द ग्रीन लिस्ट, जो 6 नए ऑक्यूपेशन है वो ग्रीन लिस्ट के अंदर ऐड किए जा रहे हैं, जो कि डायरेक्ट स्टेट टू रेजिडेंस और वर्क टू रेजिडेंस। वर्क टू रेजिडेंस में करेक्शन ऑफिसर, और स्टेट टू रेजिडेंस जो है वो एविएशन इंजीनियर है और नेवल आर्किटेक्टर है, आईसीटी डेटाबेस एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, और मैकेनिकल इंजीनियर टेक्नीशियन है, और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर है। पहले क्या था कि इन्होंने कुछ जो ग्रीन लिस्ट के अंदर ऐड किया था, अब इसके ऊपर क्या अनाउंसमेंट है, दी प्रीवियसली अनाउंस्ड रोल्स विल नॉट बी एडेड टू द ग्रीन लिस्ट। ये जो इन्होंने पहले बोले थे कि इसको ग्रीन लिस्ट में ऐड करेंगे बट अब नहीं करने जा रहे हैं, ये देख लो पेविंग प्लांट ऑपरेटर, मेटल फैब्रिकेटर, प्रेशर वेल्डर, वेल्डर फिटर, ये जो है इनको अब ग्रीन लिस्ट में ऐड है वो नहीं किया जाएगा। और इसके बाद एक ये भी था कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एग्रीमेंट, प्रीवियस प्लान टू एड दी 7 रोल्स टू दी कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एग्रीमेंट विल नॉट प्रोग्रेस। इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं है, ये वहाँ का वहीं पड़ा है, इनको मतलब कि आप इसके अंदर अब जो है वो पीआर या पाथवे वो नहीं ले सकते हो यहाँ पे। तो बस ये यहाँ पे एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ आप लोगों के लिए रहने वाली है।
और इसके बाद अगर मैं आऊँ लास्ट में तो एक यहाँ पे ये जो चीज़ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप न्यूजीलैंड वर्क वीज़ा पे जा रहे हो, चेंजेस टू द एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा, द गवर्नमेंट इज मेकिंग चेंजेस टू द एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा, फाइंड आउट व्हाट दी चेंजेस मीन फॉर इम्प्लॉयर्स एंड वीज़ा एप्लीकेशन। तो ये चेंजेस जो क्या है जो वीज़ा एप्लीकेशन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है और जो इम्प्लॉयर्स है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दी गवर्नमेंट में ये ऑलरेडी मैंने बता दिया, व्हाट इज़ द चेंजेस फॉर पीपल विद एन AEWB, एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा होता है ये AEWB का। इफ़ यू आर करंटली हैव एन AEWB, अगर आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे है तो बिफोर यू नीड टू स्पेंड टाइम आउटसाइड न्यूजीलैंड, यहाँ पे इसको छोड़ दो, एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ। और जिन लोगों के पास जैसे मिलता था ये कह रहे हैं कि उसको 5 साल तक का ना दिया जाए, उसको कम से कम 3 साल का ही दिया जाए, इससे ज़्यादा का ना करे जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी कर रहे हैं। तो इसके चलते इफ़ यू आर अप्लाई फॉर ए फर्दर आफ्टर 7 अप्रैल के बाद अगर आप कोई दूसरे एक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, यू विल हैव टू मीट द अपडेटेड क्राइटेरिया, जो है वो आपको मीट यहाँ पे करना पड़ेगा। और इफ़ यू आर इन ANZSCO Level 4-5 की जो जॉब आती है उसके अंदर अगर आप काम करें, यू मे नॉट बी एबल टू स्टे एंड वर्क इन न्यूजीलैंड फॉर द मैक्सिमम टाइम ऑफ 5 ईयर्स, आप इससे ज़्यादा यहाँ पे स्टे नहीं कर पाएंगे। व्हाट इज़ द चेंजेस फॉर न्यू AEWB एप्लीकेशन के लिए, जो नए चेंजेस है वो क्या है, देर आर नाउ हायर वर्क एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जो कि मैंने बताया कि आपको अभी वर्क एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट भी लगेगी अगर आप लोग इस वीज़ा पे जा रहे हो तो, Level 4-5 की जॉब के अंदर जा रहे हो तो। ए स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश फॉर पीपल अप्लाइंग टू वर्क इन रोल्स असेस्ड एज ANZSCO स्किल Level 4 and 5 एंड ए शॉर्टेस्ट इन न्यूजीलैंड इफ़ यू आर वर्किंग इन स्पेसिफिक रोल्स, अगर आप काम करते हो तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी होने वाली है। न्यू मिनिमम स्किल रिक्वायरमेंट आपके पास क्या है ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वैसे तो बता दिया, यहाँ पे अगर देखोगे तो 8 least 3 years रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो होना चाहिए, ए रिलेवेंट क्वालिफिकेशन 8 Level 4 or 5 ऑफ द न्यूजीलैंड क्वालिफिकेशन एंड क्रेडेंशियल फ्रेमवर्क NZQCF इसके अकॉर्डिंग ये जो है वो होना चाहिए। तो बाकी तो इसके अंदर यही है कि अनलेस यू योर रोल इज ऑन द ग्रीन लिस्ट एंड मीट्स द ग्रीन लिस्ट रोल रिक्वायरमेंट और इज पेड एट लिस्ट ट्वाइस द मीडियन वेज यू मस्ट नाउ हैव, आपके पास ये ऑलरेडी मैंने बता दिया कि आपके पास जो नई रिक्वायरमेंट है वो कर दी, आपके पास एक्सपीरियंस डिग्री डिप्लोमा और इंग्लिश की रिक्वायरमेंट भी आप लोगों को पढ़ने वाली है। मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश आपका क्या चाहिए आप बाकी यहाँ पे जाके देख सकते हो, आपकी नॉर्मल इंग्लिश होनी चाहिए, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में भी मैंडेटरी है वर्क एक्सपीरियंस और इंग्लिश मांगते हैं 4A2 वीज़ा के लिए वो। तो शॉर्टर वीज़ा लेंथ ये ऑलरेडी मैंने बता दी कि इसको कह रहे घटा के इसको कम किया जाए, इसका टाइम है जो पहले क्या आपको कहे कि 2 साल और 3 साल का होता था ये वीज़ा, फिर इसको 5 साल का कर दिया था डायरेक्ट, और वो फिर कह रहे हैं कि इसको 3 साल तक का ही रखा जाए, बाकी इससे ज़्यादा ना रखा जाए। यहाँ पे देखोगे ना, द टोटल टाइम यू कैन स्टे इन न्यूजीलैंड ऑल्सो कॉल्ड ए मैक्सिमम कंटिन्यू स्टे ऑन 1 or more AEWB इज रिड्यूस टू 3 ईयर्स, इसको 3 साल तक ही रखा जाए, इसको इतना ज़्यादा लंबा ना किया जाए। तो बाकी बस यही है, एक ये लास्ट ये वाला भी ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या यहाँ पे होने वाला। देखो, अदर चेंजेस टू सेक्टर एग्रीमेंट इन द ग्रीन लिस्ट, तो ग्रीन लिस्ट वाला मैंने बता दिया कि द ट्रांसपोर्ट सेक्टर एग्रीमेंट टू रेजिडेंस पाथवे फॉर बस एंड ट्रक ड्राइवर्स इज क्लोजिंग टू द न्यू एप्लीकेशन। तो पहले क्या होता था कि जो लोग इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जाते थे, बस और जो ट्रक ड्राइवर होते थे, वर्क करके और रेजिडेंस पाथवे में अप्लाई कर सकते थे, वो पुराने कैंडिडेट्स के लिए है, जो नए कैंडिडेट जा रहे हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है, वो उसके लिए क्लोजिंग हो चुका है उसकी, यहाँ पे देख सकते हो। प्लान्स टू एड 7 roles जो कि कंस्ट्रक्शन वो था उसको मैंने बताया था, उसको रिकवरी उसको प्रोसेस नहीं करें, उसको भी बंद कर दिया। प्लान्स टू एड 11 occupations टू द ग्रीन लिस्ट आर नॉट प्रोसेस, जो कि मैंने वेल्डर वगैरह जो वाला बताया था उसको भी इन लोगों ने कैंसिल कर दिया, उसको भी एड नहीं कर रहे हैं। तो ये थी एक मेजर इन्फॉर्मेशन न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की, जो कि काफ़ी अच्छी हो सकती है आप लोगों के लिए, अच्छी भी है बुरी भी है दोनों ही, खासकर जो लोग टीचर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, और जो लोग इस वीज़ा पे एक्रेडिटेड एम्प्लॉय वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी बेटर न्यूज़ है, क्योंकि एम्प्लॉयर अब आपसे जो है एक्सपीरियंस डिग्री डिप्लोमा मांगेगा और साथ ही इंग्लिश भी आपसे मांगेगा, और बाकी तो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट भी हो सकता है भाई कि रिजेक्ट भी कर सकती है, एम्बेसी भी आपसे ये चीज़ें मांग सकती है। तो होप करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लिया करें ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। कोई भी इन्फॉर्मेशन है, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन हेल्प चाहिए किसी भी कंट्री किसी भी वीज़ा के रिलेटेड, तो आप लोग मेरे को फ्री माइंड इंस्टाग्राम पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।